नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी फोटो पे चार चांद लगा देगा। ऐसी आप जैसी फोटो किसी और की होगी ही नहीं। ये लिख के ले लीजिए मुझसे और लोग आपसे पूछेंगे कि भाई कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर तू यूज़ करता है यार जो तेरी फोटोज इतनी अच्छी होती हैं और सबसे डिफरेंट होती हैं, और आप फोटोग्राफर को भी फेल कर देंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो ये ऐप है, ये उसका इंटरफेस दिखता है। मैं आपको नीचे लिख के दे दूंगा कि ऐप का नाम क्या है। ARTi करके नाम है इसका ऐप का, और बहुत ही कमाल की ऐप है। यहाँ पे आप जितने इफेक्ट देख सकते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो ले लेनी है। तो जैसे ही मान लीजिए आप फोटो लेते हैं किसी चीज़ की, देखिए मैं अभी यहाँ पे किसी रिवर फ्रंट पे बैठा हुआ हूँ, मैं रिवर साइड पे, तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी। अभी यहाँ पे आप बहुत सारे इफेक्ट, आप जितने टेक्सचर यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी इफेक्ट आप चाहते हैं कि ऐसी मेरी फ़ोटो दिखे तो ऐसा दिख सकता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब लोड हो रहा है, नेट से काम करता है, ये भी बता दूं आप लोगों को। और बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है इसकी, और बहुत ही इमेजिन नहीं कर सकते आप ऐसी ये फ़ोटो बना देता है, बहुत गजब की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा आपने फ़िल्टर चूज़ किया था, जैसा आप फ़ोटो चाहते थे कि मेरा इस तरह की पेंटिंग की फ़ोटो हो जाए, तो उस तरह का यहाँ पे आपको टेक्सचर मिल जाता है। और यहाँ पे आप इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, मोड भी अपने आप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये जो एरो का बटन देख रहे हैं, यहाँ से आप इस फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। तो ये थी अभी आपके बैक कैमरे की, और ये अभी नॉर्मल से जगह में ली गई हुई फ़ोटो है। अब मैं थोड़ी खास फ़ोटो लेता हूँ किसी ऑब्जेक्ट की। तो मान लीजिए मेरे सामने एक यहाँ पे डॉगी बैठा हुआ है, इसकी मैं फ़ोटो आप लोगों को क्लिक करके दिखाता हूँ और इसके फीचर्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी ये देखिए कैसे टेक्सचर काम करता है। तो आप भी फोटोग्राफी में, मतलब आप किसी जगह की खींच लीजिए, नेचर की खींचिए या फिर फ्लावर्स और इन सब की। ये देखिए यहाँ पे पहले से दिख रहा है, मैंने डॉग की फ़ोटो खींच रखी थी और उसका मैंने बनाया था इफेक्ट डाल के। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे एक और फ़ोटो क्लिक कर दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करी और यहाँ पे सेव करते हैं, और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ, साइज आपको जितना भी करना है आप वो कर सकते हो यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए लोड होने लगेगा और इफ़ेक्ट इस पर यूज़ हो जाएगा, और ये भी एकदम बहुत ही रियल लगेगा और एकदम पेंटिंग जैसा लुक लगेगा और बहुत ही यूनिक फ़ोटो आपकी लगेगी कहीं भी आप जाएंगे। तो लोग आपसे पूछेंगे कि यार कौन सा ऐसी चीज़ यूज़ करता है यार, बता दे। तो आप भी कोई फ़ोटोग्राफर से कम नहीं हो अब इस ऐप को यूज़ करने के बाद। तो देखिए अभी इफ़ेक्ट, नेट की स्पीड मेरी स्लो है इसलिए धीमे हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ से आप इंटेंसिटी कम करेंगे तो थोड़ी फ़ोटो रियल भी लगेगी, और ये फ़ोटो बहुत ही अच्छी है, आप इस ऐप को ज़रूर से यूज़ करें। दोस्तों, अगर आप रीसेंट फ़ोटो नहीं खींचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी गैलरी की फ़ोटो को ऐसा बनाऊं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टेक्सचर मिल जाते हैं, डिफरेंट पेंटिंग मिल जाएंगी, करीब 60 के अबव पेंटिंग्स हैं जो कि बहुत ही फेमस आर्टिस्ट ने बनाई हुई हैं, तो उनको यूज़ कर सकते हैं आप अपनी फ़ोटो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही विंटेज फ़ोटो लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी रानी की किसी फ़ोटो है। और ज़्यादातर मैं चाहूँगा कि आप किसी लोकेशन में जाइए, बाहर की लोकेशन में, और वहाँ पे फ़ोटो खींचे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन इफेक्ट पड़ेगा आपके बैकग्राउंड पे और आप पे भी। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है, अब मैं चाहता हूँ इसको भी उसी रानी की तरह बनाना। देखिए यहाँ पे ऐड आता है इस ऐप की, एक बात अच्छी ये है कि जो ऐड आता है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, वरना बाकी ऐप में जो ऐड आते हैं उनको आपको देखना पड़ता है, उसके बाद ही आप काम कंटिन्यू कर सकते हो, तो उसमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी फ़ोटो ऐसी बन गई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली के मेंबर बन जाएं। धन्यवाद।